माया सभ्यता का अनजान इतिहास। माया सभ्यता की स्थापना लगभग 2600 ईसा पूर्व में हुई थी। यदि आप माया सभ्यता के बारे में सुनते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे 4000 साल पहले वो लोग इतने आधुनिक थे। जब दुनिया के लोग घर बनाना नहीं सीखे थे, बस आग जलाकर खाना उबालना सीखा था, उस समय उन्होंने पत्थर के साथ विशाल विशाल घर कैसे बनाया। उस समय दुनिया की अधिकांश जातियों की भाषाएं विकसित भी नहीं हुआ था, लेकिन माया सभ्यता की लोगों ने अपनी भाषा में उस समय एक पूरी कैलेंडर आविष्कार किया था। उन लोगों ने चंद्रमा, सितारों और ग्रह सितारों के बारे में भी अध्ययन किया था, अर्थात वो लोग ज्योतिष शास्त्र के अभ्यास करते थे। इतना ही नहीं, वो गाने गाते थे, कविता लिखते थे, साहित्य का अभ्यास करते थे। पूरे अमेरिका महादेश में माया सभ्यता एकमात्र प्राचीन सभ्यता है जिनके पास अपनी लिखित भाषा थी, जो जानते थे कि कैसे खूबसूरती से पढ़ना और लिखना है। लेकिन माया सभ्यता को जन्म कैसे हुआ और इस सभ्यता को उस प्राचीन काल में कैसे विकसित किया गया है, देखिए इसे सुनने के लिए कृपया प्रतीक्षा करें। वो लोग मृत व्यक्तियों को सत्कार करते थे और मृत शरीर के ऊपर मकबरे का निर्माण करते थे। और इसी तरह माया सभ्यता की लोगों को ये विचार आया कि पिरामिड और मॉमी बनाने की। माया सभ्यता उनके वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। कई प्राचीन सभ्यताओं ने आधुनिक समाज के विकास में योगदान किया, माया सभ्यता उनमें से एक है। 2600 ईसा पूर्व में माया सभ्यता बढ़ी। इस सभ्यता में जैसे हिंसा पूर्ता वर्तमान थे और ऐसे ही ज्ञान विज्ञान का भी विकास हुआ था। मायाओं के बारे में कुछ आश्चर्यजनक जानकारी इस प्राचीन काल में उनके व्यवहार ने सबको हैरान किया है। चलिए जानते हैं क्या है ये जानकारी। माया सभ्यता के लोगों ने अन्य सभ्यताओं के लोगों के जैसा लोहा या कांस्य हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। वो लोग इस्तेमाल करते थे एविसिन नामक यानी ज्वालामुखी चट्टान, अर्थात एक प्रकार कांच की तरह पत्थर। माया सभ्यता के लोग चिपटा सिर के अधिकारी थे। उन्होंने अपनी जाति की विशिष्ट गुणी व्यक्ति को विशेष देखने के लिए पुडिंग का इस्तेमाल करते थे, अर्थात आज की आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का विचार माया सभ्यता से आया था। समाज की अभिजात परिवारों की महिलाएं दांतों में डॉट्स लिखकर नक्शा बनाती थी। बैबिलन आदिवासी के अलावा मायन आदिवासियों ने भी भूमि मापने में पहली बार सुनने का उपयोग किया। वो लोग बंदी या गुलामों को मारने से पहले बंदी या गुलामों को पूरे शरीर नीले रंग की प्लेट बनाते थे। बंदियों को मारने से पहले उनके ऊपर निर्दय अत्याचार होता था, यहाँ तक कि बंदियों को पिरामिड के ऊपर सुलाकर चाकू से दिल निकाल दिया जाता था। कभी कभी कैदियों की त्वचा उधेड़ लिए जाता था। मध्ययुगीन काल में इस तरह के बर्बरता थी जिसे त्वचावाद यानी स्काफिज्म कहा जाता था। कैदियों की त्वचा उधेड़ लेने के बाद मायन के पुजारी उसे पहन के नृत्य करते थे। माया सभ्यता के आदिवासी ज्योतिष शास्त्र में भी पारदर्शी थे। उनके बनाया हुआ कैलेंडर इसका जीवित उदाहरण है। उनके पास तीन कैलेंडर थे, उनमें से एक है हब, जहां वर्ष को आधुनिक कैलेंडर की तरह 365 दिनों में विभाजित किया गया था। उनका सबसे लंबा कैलेंडर 28,080,000 दिन का था। उनके अनुसार कैलेंडर 2012 में समाप्त होता है। 2012 को उनके लोगों ने पृथ्वी की विनाशकालीन दिन घोषित किया था, हालांकि ये भविष्यवाणी सच नहीं हुआ। किसी भी समकालीन सभ्यता की तुलना में माया के लेखन की विधि आधुनिक था। वो लोग किसी भी वस्तु के ऊपर लिखते थे, चाहे वो इमारत की दीवार हो या जमीन। जब स्पेन ने मायन साम्राज्य को कब्जा कर लिया तो उनके कई रचना नष्ट हो गए थे, फिर भी उनके कई रचना का अनुवाद 21 शताब्दी में प्रयोगशालाओं में किया गया है। माया सभ्यता की चिकित्सा बहुत आधुनिक थी। वो लोग मानव बालों से शरीर के घावों की सिलाई करते थे। वो लोग दांत की छेद भरने में या तक की
नकली पेड़ लगाने में सक्षम थे। वो लोग प्रकृति से दर्दनाशक इकट्ठा करते थे। वो लोग अपने धार्मिक अभ्यास में दवाओं का उपयोग करते थे। वो लोग रोगियों को बेहोश करने के लिए दवाओं के उपयोग को भी जानते थे। माया आदिवासी चित्त मनोरंजन में भी काफी आगे थे। इनमें विभिन्न खेल का प्रचलन था। वो लोग विशेष रूप से खेल में मेसो अमेरिकी बॉल गेम खेल में रुचि रखते थे। एक खेल क्षेत्र काफी अजीब था। खेल क्षेत्र समान था लेकिन मंच ढालू होते थे। खेल क्षेत्र के बीचों बीच एक दीवार रहता था। उस दीवार के बीच में कई छेद होते थे और एक रबर की गेंद को उस छेद से घुसाना होता था बगैर हाथ पैरों से छूके, केवल अपने कमर की इस्तेमाल करके। माया साम्राज्य की प्रमुख शहरों में ऐसे बहुत सारे खेल क्षेत्र की चिन्ह मिले हैं। इस खेल में हारने वाले दल को सभी सदस्यों का बलि दिया जाता था। माया साम्राज्य के लोग स्टीमबाथ लेना पसंद करते थे। वो सोचते थे ऐसे नहाने से सभी पाप धुएं के साथ उड़ जाते हैं। 1697 में माया साम्राज्य पर स्पेन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन आज भी इस सभ्यता के लोग विभिन्न क्षेत्र में जिंदा है। माया साम्राज्य नष्ट होने का कारण एक रहस्य बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कारण सूखा, अकाल, अधिक आबादी हो सकता है। माया संस्कृति या तक की भाषाएं अभी भी मैक्सिको की कई क्षेत्र में वर्तमान है। परिसंख्यान के अनुसार प्रायद्वीप में अभी भी 7 अरब मायान लोग रहते हैं।